Hello, students. Today we will discuss about PEM that is protein energy malnutrition. Fine. Malnutrition means lack of sufficient nutrients in the body. Fine. And what is PEM? The dietary deficiency of protein as well as calories. जिसे आप एनर्जी बोलते हो मतलब हम डाइट तो ले रहे हैं लेकिन हमारी जो डाइट है वो प्रोटीन एज वेल एज़ कैलोरी डेफिशिएंट है ओके एंड दिस पीईएम इज़ यू नो वाइड स्प्रेड इन मेनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ मतलब जो कंट्रीज डेवलप हो रही हैं वहाँ पर ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया साउथ अमेरिका एंड वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका वहाँ पर ये वाइड स्प्रेड है पी ई एम फाइन वहाँ पर क्या है जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हिडन हंगर हिडन हंगर किसे बोलते हो आप जिसमें हम लोग फूड तो खाते हैं लेकिन उस फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ही कम है फाइन वी आर टेकिंग अट्रियंट डेफिशियट डाइट दिस इज कोल्ड एज हिडन हंगर छुपी हुई भूख जिसे आप कहते हो पेट तो भर लिया हमने खाना खाकर लेकिन क्या उस डाइट के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट हैं है ना सो दिस पी ई एम दिस मे अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ड्रॉट फेमाइन एंड पोलिटिकल टर्म ओवल फाइन ड्रॉट मीन्स लाइक जब सूखा पड़ जाता है ना उस केस में फूड की ही कमी हो जाती है न्यूट्रिय का तो हम क्या बोले है ना एंड फेमाइन फेमाइन मीन्स अ सिचुएशन इन विच लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव लिटल और नो फूड एंड मैनी ऑफ देम डाई जब अकाल पड़ जाता है यू नो बाढ़ है भूकंप है यू नो सूखा पड़ जाना या जो भी है उस कंडीशन में भी क्या हो जाता है लोगों को फूड अच्छे से नहीं मिल पाता और जो फ़ूड मिलता भी है तो वो न्यूट्रिशियस नहीं होता फाइन सिमिलरली इन केस ऑफ पॉलिटिकल टर्म ऑयल पोलिटिकल टर्म ऑयल मीन्स सपोज कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाए किसी कंट्री में किसी सिटी में या किसी पर्टिकुलर रीज़न में है ना किसी पर्टिकुलर एरिया में या मतलब कोई और ऐसी एक्टिविटी जिसके कारण कर्फ्यू लगाना पड़ जाए गवर्नमेंट को इन दैट केस ऑल्सो पीपल सफ़र फ्रॉम पी ई एम फाइन एंड दिस हैज़ हैपन्ड इन बांग्लादेश एंड इथोपिया ड्यूरिंग सीवियर ड्रॉट इन मिडेटीज ओके एंड दिस पी ई एम अफेक्ट्स इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन to produce mirasmas and kawashorker, these are the two disorders of PEM. Fine, mirasmas is common in infants and kawashorker is found in children. Infants kisko bolte ho aap jo one year तक का baby होता है, उसे हम infant बोलते हैं, है ना? उसके बाद आप क्या बोलते हो? उसे child बोलते हो, है ना? So mirasmas is found in the infants. And Kavashorkar is found in the children. Ok. Let us do one by one. Mirasmus, see, Mirasmus is produced by the deficiency of both that is, the protein and calories. Ok. And Kavashorkar is produced by protein deficiency only. Fine. अनएकनीड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी मतलब आपकी डाइट में सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी है आप कैलरीज ले रहे हो लेकिन आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है या बहुत ही कम है लेकिन मेरासमस के केस में जो इन्फेंट है उसको डाइट मिल रही है लेकिन उस डाइट में ना तो प्रोटीन है या आप यूँ कह सकते हो कि प्रोटीन की डेफिशेंसी भी होगी और कैलोरीज की डेफिशिएंसी भी होगी फाइन नाउ व्हाट इज द रीजन ऑफ मेरा एंड द कवाशोरकर ऑलमोस्ट सिमिलर रीजन बिकॉज वी नो दैट मदर्स मिल्क इज वेरी हेल्दी यू नो वेरी गुड फॉर द इन्फेंट और द चाइल्ड है ना मदर्स मिल्क कंटेन एंटीबॉडीज ऑल्सो फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रोल और उसमें आई जी ए एंटीबॉडीज़ रहती हैं दीज एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बेबी ओके आई जी ए एंटीबॉडीज़ एंड इफ़ मदर्स मिल्क इज़ रिप्लेस टू अर्ली बहुत जल्दी अगर मदर का मिल्क रिप्लेस कर दिया जाए एक ऐसे फूड के साथ जिसमें प्रोटीन और कैलो कैलोरीज बहुत ही कम है है ना तो उस केस में जो इन्फेंट होगा इन्फेंट सफ़र करेगा मिरासमत से और ऐसा क्यों होता है क्यों मदर का मिल्क बहुत जल्दी रिप्लेस कर दिया जाता है दिस ओफन हैपन्स इफ़ मदर हैज़ सेकेंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ वेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग मतलब जो पहले ही जो बेबी है वो बहुत छोटा है मतलब इन्फेंट है अभी और मदर को सेकेंड प्रेगनेंसी हो जाती है उस केस में मदर खुद ही बहुत ज़्यादा वीक रहेगी वो अपने बेबी का ध्यान कैसे रखेगी उसे कैसे फीड कराएगी फाइन सो so, उस केस में जो इन्फेंट होगा वो मिरिस्मस से सफर हो जाएगा सिमिलरली इन केस ऑफ कवाशोरकर इट ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ द मदर्स मिल्क बाय अ हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ मदर का जो मिल्क था वो बहुत जल्दी रिप्लेस कर दिया गया और मदर के मिल्क में प्रोटीन जो था उसका जो मिल था मदर का वो एक ऐसी डाइट से रिप्लेस किया गया है जिस डाइट के अंदर प्रोटीन तो बहुत ही कम है लेकिन कैलरीज उसके अंदर हैं मतलब चिल्ड्रन को फूड तो मिल रहा है फाइन लाइक यू कैन से लेकिन उस फूड में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है सपोज आप चिल्ड्रन को सात दिन रोटी खिलाते रहते हो है ना तो जो रोटी होती है उसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है तो, तो चिल्ड्रन होगा उसे कैलोरीज तो मिलेंगी लेकिन उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहेगी फाइन सो कवाश्योरकर इज अ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर बट मेरासमस केस ऑफ मिरासमस डेफिशिएंसी ऑफ बॉथ वि लक्कर प्रोटीन एज वेल एज द कैलोरीज फाइन नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मिरासमस एंड कवाश्योरकर ऑलमोस्ट सिमिलर सिम्टम्स आर देयर

ओल्डर जो टिश्यू है अगर वो डैमेज हो जाता है तो उसे रिप्लेस कौन करेगा न्यू टिश्यू और जब प्रोटीन ही नहीं होगा बॉडी में तो न्यू टिश्यू कैसे बनेगा न्यू टिश्यू ही नहीं बनेगा तो जो डैमेज हो चुका है टिश्यू जो ओल्ड टिश्यू है उसे कैसे रिप्लेस किया जाएगा फाइन सो फर्स्ट सिम्टम इज़ द ग्रोथ एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ द टिश्यू प्रोटीन विल इम्पेयर्स ना तो आपकी बॉडी की ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी और ना ही आपके टिश्यूज रिप्लेस हो पाएंगे फाइन सेकेंडली इमेसिएशन ऑफ बॉडी इमासिएशन मीन्स स्टेट ऑफ एक्सेसिवली थिन मतलब आप बहुत ज़्यादा पतले हो जाओगे इवन यू विल लुक लाइक अ स्केलेटन बहुत ज़्यादा वीक बहुत ज़्यादा पतले फाइन थर्ड वन इज़ द थिनिंग ऑफ लिम्स मतलब आपके हाथ पैर भी बहुत पतले हो जाएंगे फाइन एंड स्किन विल बिकम ड्राई थिन इवन रिंकल्ड झुर्रियाँ पड़ जाएंगी स्किन पर बहुत ड्राई स्किन हो जाएगी फाइन धीरे धीरे वेट भी जाने लगेगा वेट ऑफ द बॉडी डी फाइन एंड इवन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन विल बी इम्पेयर्ड मतलब जो ब्रेन की ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो भी अफेक्ट होगी ड्यू टू मेरासमस और ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलरीज इन द डाइट फाइन नाउ लेट्स सी व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कवा फर्स्ट वन इज़ द वेस्टिंग ऑफ मसल्स मींस मसल्स ही नहीं बनेंगे बॉडी में और अगर बने भी गए तो उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगी वीक होगी वीक स्ट्रेंथ होगी उनकी फाइन सेकेंड वन इज सेम एज इन केस ऑफ मेरे थिनिंग ऑफ लिम्स हाथ पैर पतले हो जाएंगे फाइन फेलियर ऑफ ग्रोथ बिकॉज डाइट इज डिफिशियंट इन प्रोटीन एंड प्रोटीन आज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ सो फेलियर ऑफ ग्रोथ विल टेक्स प्लेस फाइन इम्पेयर्ड ब्रेन डेवेलपमेंट ब्रेन भी अफेक्ट हो जाएगा फाइन एक्सटेंसिव ऑडिमा एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग ऑफ एंकल्स एंड फिट फाइन एंड लास्ट इज द स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट स्पेशली जो बेली एरिया है यू नो बेली एरिया जिसको आप बोलते हो डिस्टेंटेड स्टमक बेली एरिया में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी क्योंकि जो चिल्ड्रन है वो एक ऐसी डाइट ले रहा है जिसमें कैलरीज हैं उसे कैलरीज मिल रही है तो क्या हो जाएगा स्वेलिंग हो जाएगी बॉडी पार्ट्स पे है ना बेली जो एरिया होगा स्पेशली बहुत ही ज़्यादा यू नो फैटी दिखाई देगा बहुत ज़्यादा स्वेलिंग दिखाई देगी लेकिन डाइट में प्रोटीन नहीं है तो बॉडी की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी फाइन सो दिस वॉज ऑल अबाउट पी ई एम प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रीशन एंड दीज टू डिसऑर्डर्स कम अंडर पी ई एम marasmus is produced by the simultaneous deficiency of protein as well as the calories and it is found in infants less than a year in age but kwashiorkor is produced by protein deficiency unaccompanied by calorie deficiency fine so this was all about pem